वेलकम टू किश्टैब लाइव ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि टीचर कैसे किश्टैब लाइव के अंदर साइन अप कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूट का प्रोफाइल सेव करके रख सकते हैं, ताकि बच्चे जब लाइव क्लास में एंटर करेंगे तो उनको उस इंस्टीट्यूट का नाम और लोगो दोनों ही दिखेंगे। तो आइए चलते हैं उस वेबसाइट पर जहाँ टीचर्स अपने इंस्टीट्यूट का प्रोफाइल जनरेट करके रख सकते हैं। तो हम यहाँ सर्च करेंगे myinstitute.kishtab.com। तो यहाँ पर एक पेज खुलेगा जिस पर लिखा हुआ होगा ऊपर में साइन अप और लॉगिन। अगर नए टीचर हैं तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट जो है जनरेट करना होगा। टीचर्स जो होते हैं अपना अकाउंट जनरेट यहाँ पर कर लेते हैं और अपने इंस्टीट्यूट का प्रोफाइल सेव करके रखते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपने इंस्टीट्यूट का नाम रखना होगा। तो मान लीजिए मैंने कुछ अपना इंस्टीट्यूट का नाम रखा। अब यहाँ पर यूजर आईडी फिलअप करना होगा जो कि लगभग 8 to 15 लेटर्स के होंगे। इसमें आप नंबर भी रख सकते हैं लेटर्स के साथ। मैंने यहाँ यूजर आईडी में केवल अपना नाम रख दिया है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड सेट करने में ध्यान रखना है कि उस पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक पंचुएशन मार्क और एक नंबर होना चाहिए, और पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का या फिर 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब हमें पासवर्ड को री एंटर करना है ताकि अगर कोई मिस्टेक हुई हो पासवर्ड में तो यहाँ पर मिसमैच हो जाए और वापस से हम उस पासवर्ड को सुधार सकें। यहाँ पर अपना एक वैलिड ईमेल एड्रेस फिलअप करना है ताकि उस पर एक ओटीपी आ सके। उस ओटीपी का यूज बाद में इस ईमेल के वेरिफिकेशन के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक वैलिड मोबाइल नंबर देना होता है जिस पर एक ओटीपी आता है और उसका भी वेरिफिकेशन बाद में किया जाता है। अब सबमिट बटन पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक पेज खुलकर आता है जिसमें हमें क्या करना होता है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। तो हम क्या कर देते हैं, स्लाइड टू एग्री कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी मांग रहा है, तो आपने जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस डाला होगा वो वैलिड होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि उस पर एक ओटीपी जाता है वेरिफिकेशन के लिए। तो हमने जो मोबाइल नंबर डाला है उस पर एक ओटीपी आया है। अब उस ओटीपी को मैं यहाँ क्या करूँगा, लिख दूंगा। अब एक्टिवेट माय अकाउंट पर क्लिक करूँगा। जब तक ये ओटीपी नहीं डाला जाता है तब तक आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है। अब हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है तो अब हमें क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड की। तो यूजर आईडी क्या थी हमारी, मेरा नाम यूजर आईडी वहां पर था, पासवर्ड, और यहां पर कैप्चा फिलअप कर देना है। यहां देखिए मैंने जिस नाम से यहां पर अपना लॉगिन किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, पंच तत्व। अब इस नाम से जो है यहां पर प्रोफाइल जनरेट हो गया है, लेकिन इसके अंदर में अभी कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम और जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, जो हमारा मेलिंग एड्रेस है, वो यहाँ पर फिलअप करके सेव कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम किसी भी टाइम पर अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ अपने प्रोफाइल को सेव कर देंगे। यहाँ लिख रहा है योर प्रोफाइल हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप किसी भी टाइम पर चेंज कर सकते हैं, टाइम टू टाइम, जब भी आपको लगे कि इसमें कुछ चेंजिंग करना है आप उसको चेंज करके यहाँ पर सेव कर देंगे, तो सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। अब मैं चाहूंगा कि मैं अपने इंस्टीट्यूट का लोगो जो है अपलोड करके रखूँ, तो यहाँ क्या करेंगे, अपलोड लोगो पर क्लिक करेंगे। यहाँ दो तरह के यहाँ फॉर्मेट है, पहला तो स्क्वायर फॉर्मेट में आप दे सकते हैं, दूसरा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। अगर हमारा लोगो स्क्वायर फॉर्मेट में है तो स्क्वायर फॉर्मेट में जो ब्राउज है वो उस पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा जो लोगो है वो क्या हो गया है, अपडेट हो चुका है। अब इसको कट कर लेंगे। तो हमारा लोगो अपडेट हो चुका है। अब ये कहाँ पर दिखेगा, जब आप लॉगिन करेंगे क्लास के अंदर तो वहां पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम और लोगो जो है दिखेगा। तो इस तरह से जो है कोई भी टीचर इस वेबसाइट पर आकर के अपने प्रोफाइल को जनरेट करके रख सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप किश्टैब लाइव के अदर वीडियो ट्यूटोरियल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।